नमस्कार दोस्तों, एनके साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो साइको टेस्ट होता है उससे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब जो कि आरटीआई के द्वारा मैंने आरडीएसओ से पूछे थे, तो टोटल हम पिछले वीडियोज़ में पत्र संख्या 8 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम पत्र संख्या 9 में जो मैंने सवाल पूछे थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी साइको टेस्ट के प्रति कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो सके और आप जो है साइको टेस्ट को कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो फुली अटेम्प्ट कर सकें, 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकें हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये पत्र संख्या 9। और पत्र संख्या 9 की हम बात करें तो टोटली पत्र संख्या 9 और 9 में टोटल पत्र संख्या 9 में टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हैं, तो हम उन 5 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या 5 क्वेश्चन वो पूछे हैं और आरडीएसओ ने उनका जो है वो क्या जवाब दिया है, क्लियर है? तो वही है आरडीएसओ आरटीआई प्रश्न उत्तर, स्टेशन मास्टर, साइको टेस्ट और टोटल पत्र संख्या है 9। टोटल सवाल हैं आपके 5 क्वेश्चन, तो देखते हैं वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं और उनका जवाब आरडीएसओ के द्वारा क्या दिया गया है। देखें भाई, सबसे पहले बात करें हम इस आरटीआई की, तो देखें भारत सरकार, रेल मंत्रालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आरडीएसओ का लेटर है ये, ठीक है? तो बाकी किस डेट का है ये भी आप देख सकते हैं, डेट है इसकी वही 29/12/2020, ठीक है? तो क्लियर हुआ दोस्तों, बाकी देखें, देखते हैं। बाकी इधर तो मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इधर का तो आपके काम का नहीं है इतना। मेनली विषय हम देखें तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराया जाना। संदर्भ की बात करें तो आरटीआई सेल आरडीएसओ का पत्र संख्या आरडीएसओ आरटीआई सेल 2020 फिजिकल, यानी कि फिजिकली जो है ऑफलाइन ये आरटीआई लगाई थी मैंने, तो 67 से 86 है। और दिनांक की हम बात करें दोस्तों तो 3/12/2020 का ये जवाब है, रिप्लाई है, बाकी आपकी भर्ती के तो बाद का ही है, क्लियर है? तो देखें क्या सवाल थे और क्या जवाब थे वो हम देखते हैं। पत्र संख्या 8 तक हम कर चुके थे, तो पत्र संख्या 9 यानी 9 के हम जवाब सवाल देखेंगे। देखें भाई, इधर है मद संख्या मतलब क्रमांक, और इधर मांगी गई सूचना, इधर उत्तर, ठीक है? तो देखें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था, पहला क्वेश्चन था कि एएसएम या एएसएम पद हेतु आयोजित जो कंप्यूटर आधारित अविषमता परीक्षण है, यानी कंप्यूटर आधारित जो अविषमता परीक्षण है, क्लियर है, टीवेट टेस्ट, टीवीएटी टेस्ट है ना, के परीक्षण फर्स्ट
पहला परीक्षण कौन सा होता है? बैटरी वन के अंतर्गत जो लिया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है मैम। या भिन्न आकृति परीक्षण में कुल 35 प्रश्न, कुल 35 प्रश्न, कुल टोटल प्रश्न कितने होते हैं 35, ठीक है। वो एक अभ्यर्थी यानी जो पहला अभ्यर्थी है वो निर्धारित समय में यानी फुल टाइम में, बात ये है यहाँ पे गौर करने का, ये पॉइंट है जो पूछा गया है, निर्धारित समय में, निर्धारित समय में सही सही हल करता है, यानी एक जो अभ्यर्थी है वो क्लासिफिकेशन टेस्ट को, इंटेलिजेंस टेस्ट को जितना कि निर्धारित समय है 10 मिनट है तो 10 मिनट में निर्धारित समय में सही सही हल करता है सारे प्रश्न, ठीक है। 35 के 35 क्वेश्चन 10 मिनट में उसने सही हल किए। जबकि एक अन्य अभ्यर्थी इन्हीं 35 प्रश्नों को वो भी सही सही हल करता है, लेकिन निर्धारित समय से यानी निर्धारित समय से 2 मिनट कम समय में हल कर लेता है। सवाल ये है कि 2 मिनट कम समय में सही सही हल कर लेता है, यानी 35 प्रश्न इसके भी सही है, तो एएसएम एसएम पद हेतु दोनों में से किस, दोनों अभ्यर्थियों में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी, किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, कईयों के दिमाग में ये सवाल रहता है, तो कृपया स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था तो क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर आधारित जो अभ्यर्थी परीक्षण है स्टेशन मास्टर का या टीए का, उसका जो पहला परीक्षण है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें एक अभ्यर्थी 35 प्रश्नों का सही सही जवाब देता है, लेकिन निर्धारित समय में हल करता है। निर्धारित समय से तात्पर्य जो उसका फुल टाइम था 10 मिनट। और जो दूसरा अभ्यर्थी है वहीं वो भी 35 प्रश्न हल करता है, लेकिन निर्धारित समय से 2 मिनट कम समय में हल करता है, यानी 8 मिनट में ही 35 के 35 सही सही वो हल कर लेता है। तो दोनों में से किसे प्राथमिकता देंगे, तो क्वेश्चन ये है। तो उत्तर देखते हैं, आरडीएसओ ने क्या जवाब दिया है। अभ्यर्थी के टी स्कोर पर निर्भर करेगा, यानी समय का कोई खेल नहीं है, चाहे आप कम टाइम में कर लें, चाहे एक जो है एक ने ज्यादा में करे एक ने कम में करे, मेनली ये देखा जाता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने राइट हैं, बस एक्स मैटर करता है। एक्स मतलब टी स्कोर के फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया था, एक्स मतलब है अभ्यर्थी द्वारा किसी परीक्षण विशेष में सही किए गए प्रश्नों की संख्या, अर्थात उसका प्राप्तांक। तो देखें तो अभ्यर्थी के टी स्कोर पर निर्भर करेगा, सफल होने के लिए जो टी स्कोर है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 42 होना चाहिए, ग्रेटर देन 42 होना चाहिए। क्या टी स्कोर परसेंटेज नहीं है? अगर कोई परसेंटेज बोलता है वो गलत बोल रहा है, गलत पढ़ा रहा है। देखें तो आप जो है समझें, समझदार हैं आप, तो बार बार नहीं कहना पड़े अच्छी तरह से, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, और जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिख जाए। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, एएसएम एसएम पद हेतु आयोजित कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण अर्थात सीबीएटी टेस्ट में C4 कंप्यूटर, B4 बेस्ड, A4 एप्टीट्यूड, T4 टेस्ट। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे देखें, परीक्षण दो कौन सा आता है, टेस्ट 2 बैटरी 2 में कौन सा पूछा जाता है, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, उसके अंदर या तो काउंट ऑफ ओड या फिर एड ऑफ ओड, क्लियर है, ठीक है। देखे भाई, विषम अंकों का योग में कुल प्रश्न कितने होते हैं भाई, 30 प्रश्न होते हैं, वो एक अभ्यर्थी यानी पहला अभ्यर्थी निर्धारित समय में सही सही हल करता है, यानी 8 मिनट उसका टाइमिंग है, तो 8 मिनट में 30 की 30 प्रश्न एक अभ्यर्थी है सही सही हल करता है, 30 की 30 करेक्ट टोटल उसके द्वारा लिया गया टाइम 8 मिनट ही। दूसरा, जबकि एक दूसरा अभ्यर्थी जो है इन 30 प्रश्नों को, 30 प्रश्नों को निर्धारित समय से 2 मिनट कम समय में, यानी 2 मिनट कम समय में जो है सही सही हल करता है, मतलब इसके भी 30 के 30 सही निकलते हैं, लेकिन ये 8 मिनट में ना करके उस पेपर को कितने टाइम में कर लेता है, 6 मिनट में कर लेता है। तो सवाल ये है, तो एएसएम या एसएम पद हेतु दोनों अभ्यर्थियों में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी, क्वेश्चन वही है सेम, लेकिन चैप्टर चेंज हो गया बस। तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी, आरडीएसओ का जवाब क्या है भाई, उपरोक्त क्या था, अब स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सफल होने वो था कि टी स्कोर पर निर्भर करेगा, सफल होने के लिए जो है वो अभ्यर्थी को कितना टी स्कोर प्राप्त करना जरूरी है, ग्रेटर देन 42 टी स्कोर प्राप्त करना जरूरी है, बस सिंपल सा है। तो इसमें भी वही सीन है कि एक अभ्यर्थी 30 क्वेश्चनों को 8 मिनट में सही सही सॉल्व करता है,
वहीं एक दूसरा अभ्यर्थी 2 मिनट कम समय में अर्थात 6 मिनट में सही सही सॉल्व करता है, दोनों में से किसे स्टेशन मास्टर पद हेतु प्राथमिकता दी जाएगी? तो इस सवाल का जवाब है कि टी स्कोर पर निर्भर करेगा। ग्रेटर सफल होने के लिए ग्रेटर देन 42 टी स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य है। अब चाहे कोई 8 मिनट में करे चाहे कोई 6 मिनट में करे, अब टी स्कोर में किसके ऊपर डिपेंडेंसी है? एक्स के ऊपर। तो अभ्यर्थी द्वारा किए गए क्वेश्चनों की संख्या से मतलब होता है बेसिकली। तो दोनों के ही 30 सही है तो दोनों ही बराबर माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट कम वाला जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? लेकिन आपको कम मिनट में करने की आदत डालनी चाहिए, उसका एक फायदा है। एग्जाम के अंदर स्क्रॉलिंग का या लेआउट में कुछ भी वो चेंजेस करता है तो कम टाइम में कर लोगे तो आपको लगेगा कि आप साइको नहीं एक वीडियो गेम खेल के आए, और 8 मिनट में भरोसे चलोगे तो आप पूरे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। देखें संख्या थर्ड, देखें भाई क्वेश्चन संख्या 3। कोशिश कर रहा हूं कि आपके साइको से रिलेटेड सभी जो सवाल हैं वो दिमाग से निकाले जा सकें। अब इससे ज्यादा बड़ा कोई प्रूफ भाई नहीं हो सकता। देखें एएसएम एसएम पद हेतु आयोजित कंप्यूटर आधारित अक्षमता परीक्षण सीबीएटी टेस्ट के जो परीक्षण थर्ड कौन सा है भाई? स्थानिक क्षमता परीक्षण में कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं भाई? 40 पूछे जाते हैं। एक ग्रेड पे 10 बेस्ड होते हैं, टोटल कितने हुए? 4 × 10 = 40। को एक अभ्यर्थी निर्धारित समय में सही सही हल करता है, यानी 40 के 40 क्वेश्चन सही है लेकिन निर्धारित समय कितना है? 8 मिनट। 8 मिनट में वो 40 क्वेश्चन सही सही हल करता है। वहीं एक दूसरा अभ्यर्थी है जबकि एक अन्य अभ्यर्थी इन 40 प्रश्नों को निर्धारित समय से 2 मिनट कम समय में या 2 मिनट पहले ही हल कर लेता है तो एएसएम एसएम पद हेतु दोनों अभ्यर्थियों में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी? कृपया स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, तो इसका आंसर भी क्या है देखें, उपरोक्त से क्या तात्पर्य है कि अभ्यर्थी के टी स्कोर पर निर्भर करेगा। किसी पेपर में किसी परीक्षण विशेष में जो है वो सफल होने के लिए टी स्कोर की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 42 होनी चाहिए। क्लियर है? ना कि परसेंटेज। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4। तो देखें भाई क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने है। देखें एएसएम पद हेतु आयोजित कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण अर्थात सीबीएटी टेस्ट की बात हो रही है भाई, आपके टेस्ट की हो रही है। परीक्षण 4 यानी इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, परीक्षण 4 में कौन सा पूछा जाता है? इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में कुल प्रश्न कितने होते हैं 25। 25 प्रश्नों को एक अभ्यर्थी जो है वो निर्धारित समय में सही सही हल करता है। जबकि अगला क्वेश्चन जो है अगले पेज पर है लेकिन इसका जवाब यहीं दिया गया है उपरोक्त, तो जवाब को हम वहीं देखेंगे। वापस इस पेज पे मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा इसलिए देख लें क्या जवाब है। देखें भाई इतना तो हमने पढ़ लिया था कि एक अभ्यर्थी जो है निर्धारित समय में इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के 25 प्रश्नों को निर्धारित समय में हल करता है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी इन 25 प्रश्नों को जो है वो निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही हल कर लेता है, यानी 2 मिनट पहले ही। तो एएसएम पद हेतु किसे प्राथमिकता दी जाएगी? क्वेश्चन ये है, जवाब क्या था मैंने आपको बता दिया था, उपरोक्त। और उपरोक्त का मतलब क्या है ये भी आपको पता है कि टी स्कोर पर निर्भर करेगा, यानी टाइम कोई पहले कर ले या बाद में कर ले कोई मैटर नहीं करता, टी स्कोर पर निर्भर करेगा। टी स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा तो उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, ये आप भी जानते हो। तो उपरोक्त मतलब टी स्कोर पर निर्भर करेगा, और प्रत्येक परीक्षण में सफल होने के लिए टी स्कोर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 42। देखें भाई लास्ट क्वेश्चन है आरटीआई का, 5 क्वेश्चन टोटल थे, देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है फिफ्थ। देखें भाई फिफ्थ एएसएम एसएम पद हेतु साइको टेस्ट के परीक्षण 5 में कौन सा पूछा जाता है आपका?
व्यक्तित्व परीक्षण, और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है भाई, 35 होती है, को एक अभ्यर्थी निर्धारित समय में सही सही हल करता है। यानी कैसे, निर्धारित समय में सही सही हल करता है। निर्धारित समय 12 मिनट मिलता है तो 12 मिनट में वो 40 क्वेश्चन को सही सही हल करता है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी इन 35 प्रश्नों को निर्धारित समय से 2 मिनट पहले, 2 मिनट कम समय में ही जो है सही सही हल कर लेता है, 2 मिनट कम समय में ही सही सही हल करता है। तो इन दोनों अभ्यर्थियों में से किसे एएसएम पद हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, सवाल ये है, कृपया स्पष्ट करें, किसे प्राथमिकता दी जाएगी कृपया स्पष्ट करें। तो सिंपल सा इसका भी वही जवाब मिलना है, आपको पता है उपरोक्त, लेकिन आपके दिमाग का क्लियर होना चाहिए भाई। उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब क्या है, उपरोक्त का मतलब वही है कि सफल होने के लिए जो है टी स्कोर चाहिए, टी स्कोर पर निर्भर करेगा, टी स्कोर ग्रेटर देन 42 होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इस आरटीआई के 5 क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से आपके दिमाग में भी अगर इस तरह के सवाल हैं तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई हम, ये अब देखें आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जो आरटीआई का, जो मैंने पत्र संख्या 10 आरडीएसओ फाइल किया था उसके संदर्भ में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से कोचिंग से जो सेलेक्टेड स्टेशन मास्टर हुए हैं उनके कुछ वीडियोज वगैरह का मिल जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन आपके अंदर बढ़े, थोड़ा आप उनको देखेंगे तो, क्योंकि साइको टेस्ट को करने के लिए आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो थोड़ा हाई होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए भाई 12 घंटे आपको 10 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करनी है स्टेशन मास्टर बनने के बाद, तो अब तो आपका लेवल 2 सीवीटी 2 भी लगभग आधे लोगों का लग चुका है, तो आपको फुली डेडिकेशन आपका होना चाहिए साइको टेस्ट के प्रति। तो जितनी भी एनर्जी, आप कहने का मतलब एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, साइको टेस्ट को क्रैक करना उतना ही हमारे लिए आसान होगा। तो जो इम्पोर्टेंट लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि कोचिंग से सेलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनका ट्रेनिंग का वीडियोज भी आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, और उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन आपका ऐप कोचिंग का, एनके रेलवे साइको क्लासेस का उसका लिंक, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लिंक, उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का, ये सभी लिंक जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं साइको से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप बराबर टच में रह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।